अगर आपका वीज़ा नहीं बन पा रहा है तो निराश मत होइए, जल्दी आपका वीज़ा बन जाएगा। लेकिन इसके लिए आपको हैदराबाद जाना होगा, किसी सरकारी दफ्तर नहीं बल्कि मंदिर, वीज़ा वाले बालाजी का मंदिर। जी हाँ, लोग अक्सर मंदिर में जाकर अपने और अपने परिवार की स्वस्थ और सुखी जीवन के लिए प्रार्थना करते हैं। लेकिन हमारे भारत में एक ऐसा मंदिर है जहाँ लोग अपने लिए विदेश जाने के लिए वीज़ा दिलाने की प्रार्थना करने के लिए जाते हैं। हैदराबाद से करीब 40 किलोमीटर दूर ओस्मान सागर लेक के तट पर है चिलकुर बालाजी मंदिर, इन्हें ही वीज़ा वाले बालाजी कहते हैं। ये मंदिर विशेष रूप से अमेरिकी वीज़ा को मंजूरी देने में मदद करने के लिए फेमस है। इस 500 साल पुराने मंदिर की स्थापत्य कला देखने लायक है। मंदिर का इतिहास बड़ा ही रोचक है। कहते हैं कि वेंकटेश बालाजी के एक भक्त रोजाना कई किलोमीटर पैदल चलकर उनके दर्शन के लिए तिरुपति मंदिर जाते थे, लेकिन एक दिन उनकी तबीयत खराब हो गई जिससे वो मंदिर नहीं जा पाए। ऐसे में बालाजी खुद अपने भक्त के सपने में आए और बोले कि तुम्हें मेरे दर्शन के लिए इतनी दूर जाने की जरूरत नहीं है, मैं यही तुम्हारे पास वाले जंगल में रहता हूँ। अगले दिन जब बालाजी के भक्त भगवान की बताई जगह पर गए तो उन्हें वहाँ उभरी हुई भूमि दिखाई दी। इसके बाद वहाँ बालाजी की मूर्ति की स्थापना कर दी गई। माना जाता है कि 1980 के दशक के आसपास जब भारत में आईटी कल्चर विकसित हो रहा था, तब कुछ छात्रों ने इस मंदिर में अपने यूएस वीजा प्राप्त करने के लिए प्रार्थना की, जिसे चेन्नई यूएस वीजा वाणिज्य दूतावास ने अस्वीकार कर दिया था। पर उनकी प्रार्थना ने काम किया और उनकी वीजा को मंजूरी मिल गई। तब से यह मंदिर लोगों की वीजा इच्छाओं को देने में फेमस हो गया। हालांकि सिर्फ मंदिर में जाना और प्रार्थना करना पर्याप्त नहीं होता, आपको अपनी इच्छाओं को प्रभु तक पहुँचाने के लिए एक प्रक्रिया से गुजरना होगा। आपको अपने पासपोर्ट के साथ मंदिर में जाना होगा और मंदिर के पुजारियों द्वारा मंत्रों का जाप करते हुए गर्भागृह के चारों ओर 11 परिक्रमाएं करनी होंगी और आपकी इच्छा पूरी होने के बाद आपको मंदिर में फिर से जाना होगा और 108 परिक्रमा करके भगवान का आभार व्यक्त करना होगा। लोगों का मानना है कि वीजा के लिए दूतावास के चक्कर लगाने से अच्छा है कि चिलकुर बालाजी मंदिर के चक्कर और हवाई जहाज का चढ़ावा चढ़ाया जाए, इससे वीजा मिलना आसान हो जाता है। ये मंदिर सप्ताह में 3 दिन शुक्रवार, शनिवार और रविवार के दिन खुलता है। इसी वजह से इन 3 दिन में यहाँ 75,000 से 1,00,000 श्रद्धालु दर्शन करने के लिए आते हैं। वही महीने भर में इनकी संख्या करीब 5,00,000 होती है। तो ये थी वीजा वाले बालाजी मंदिर की कहानी। कैसी लगी आपको हमें कमेंट्स में जरूर बताएं और देखते रहें धर्म संवाद। मैं थी तमिश्री, धन्यवाद।